हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल राजनीति विज्ञान में। और मैं रेणुका सिंह आज आपको नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स के बारे में जानकारी दूंगी। देखिए, सबसे पहले हमें जो है दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर हम भारत के मैप को ही ले लेते हैं, ये भारत का मैप है जो आपको दिखाई दे रहा है। भारत के मैप को अगर हम इस तरीके से बांट लें तो ऊपर जो आ जाता है ये होती है नॉर्थ, नीचे हो जाता है साउथ, इधर होता है ईस्ट और इधर हो जाता है वेस्ट, क्योंकि इधर हमारी सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, और ये हो जाता है ईस्ट। तो हमें जो पढ़ना है, हमें करना है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स। तो नॉर्थ ईस्ट मतलब तो भारत के ईस्ट में और नॉर्थ में, तो हो गया ये वाला रीजन। अब हम इस एरिया के बारे में पढ़ेंगे जो कि यहाँ पर खोल के दिखाया हुआ है। हम हमेशा जब कभी भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को पढ़ते हैं या याद करते हैं, हम एक सही तरीका है उसको याद करने का, क्लॉकवाइज दिशा में याद करिए, यहाँ से याद करते शुरू कीजिए, यूँ चलते हुए जाए और ऐसे याद कीजिए उसको। तो सबसे पहले पहले हम इसे जूम कर लेते हैं, ये देखिए। तो सबसे पहले जो आती है वह आती है अरुणाचल प्रदेश, फिर आती है नागालैंड, फिर आती है मणिपुर, फिर आती है मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय और आसाम। ये इस दिशा में अगर हम याद करेंगे तो ईजिली याद हो जाएंगी। इसके बाद एक और स्टेट है जो है सिक्किम, जो इधर है, ठीक है, एट्थ, और ये टोटल हो जाते हैं सेवन। इसके बाद हम की सीमाओं को देख लेते हैं। देखिए, अरुणाचल प्रदेश जो है ये पूरा ऊपर से, देखिए अरुणाचल प्रदेश जो है ये पूरा ऊपर से चाइना के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा को शेयर करता है, यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश यहाँ से म्यांमार के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, और इसके बाद आसाम से और नागालैंड से। इसी तरह नागालैंड म्यांमार से, मणिपुर से, आसाम से और अरुणाचल प्रदेश के साथ शेयर करता है। मणिपुर को देख लेते हैं, म्यांमार से, नागालैंड से, आसाम से और यहाँ से ये मिज़ोरम के साथ जो है अपनी सीमा जो है शेयर कर रहा है। मिज़ोरम को देख लें, यहाँ से ये म्यांमार, यहाँ से आसाम, त्रिपुरा के साथ अपनी सीमा जो है शेयर कर रहा है। त्रिपुरा को देख लेते हैं, तो त्रिपुरा जो है एक ऐसी स्टेट है जो कि तीनों साइड से बांग्लादेश के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर जो है शेयर कर रहा है, और यहाँ से यह है मिज़ोरम और आसाम के साथ जो है बॉर्डर शेयर करता है। इसी तरह मेघालय को देखें, तो मेघालय यहाँ से बांग्लादेश के साथ, यहाँ से और आसाम के साथ सीमा शेयर कर रहा है। आसाम को देख लेते हैं, तो आसाम जो है इन सब में सबके साथ जो है सीमा को शेयर करता है, जैसे आसाम अरुणाचल प्रदेश के साथ भी शेयर कर रहा है, नागालैंड के साथ भी शेयर कर रहा है, मणिपुर के साथ भी शेयर कर रहा है, मिज़ो के साथ भी शेयर कर रहा है, त्रिपुरा के साथ भी शेयर कर रहा है और बांग्लादेश के साथ भी शेयर कर रहा है और मेघालय के साथ भी शेयर कर रहा है और साथ ही भूटान के साथ भी शेयर कर रहा है। अब आसाम एक ऐसा स्टेट हो गया है कि जो इन सभी के साथ जो है ना अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है और दो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, एक भूटान के साथ और एक बांग्लादेश के साथ, बाकी सारे आंतरिक सीमाएं हैं जो ये शेयर कर रहा है। और सिक्किम को इन छः सात बहनों का इकलौता भाई की संज्ञा दी गई है, छः बहनें नहीं सात बहनें। यदि हमें उत्तर पूर्व के राज्यों में भ्रमण करना हो या जाना हो तो उसके लिए एक ही रास्ता है जो कि यहाँ से होकर जाता है ये, तो इसीलिए जो है गुवाहाटी को या आसाम को जो है ना प्रवेश द्वार की संज्ञा दी गई है, क्योंकि एंट्री हमारी यहीं से होती है। उत्तर पूर्व का यानी इस पूरे रीजन का सबसे बड़ा जो शहर है, सिटी जो है, वो है गुवाहाटी, जो कि आसाम में यहीं स्थित है, यहाँ स्थित है आसाम में, ठीक है। और दूसरे नंबर पर जो शहर है जो सबसे बड़ा है वह है अगरतला, जो त्रिपुरा में है, यानी कि देखिए त्रिपुरा कहाँ है, त्रिपुरा यहाँ। दूसरा शहर जो सबसे बड़ा है वो यहाँ स्थित है त्रिपुरा में।
अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो क्षेत्रफल के हिसाब से ये देखिए अरुणाचल प्रदेश जो है यह सबसे बड़ा स्टेट माना जाता है। इसका जो क्षेत्रफल है वह है 83,743 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। वहीं दूसरे नंबर पे आ जाता है आसाम, यानी कि ये नंबर वन पर है और आसाम दूसरे नंबर पर है और त्रिपुरा तीसरे नंबर पर है। किसमें? एरिया वाइज, यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश इस एरिए में नंबर वन पर आता है, लेकिन पूरे भारत में अगर काउंट करें तो अरुणाचल प्रदेश का जो स्थान है वह 15वें नंबर पर आता है क्षेत्रफल के हिसाब से। सबसे छोटा राज्य अगर देखें तो सिक्किम जो है वह सबसे छोटा स्टेट है। सिर्फ छोटा ही नहीं बल्कि क्षेत्रफल के हिसाब से ही नहीं बल्कि आबादी के हिसाब से भी ये सबसे छोटा राज्य है। अब एक सवाल उठता है कि इन सेवन सिस्टर्स को सेवन सिस्टर्स का नाम किसने दिया? तो इनके एक पत्रकार ज्योति प्रसाद सेकिया ने एक रेडियो टॉक शो के दौरान जनवरी 1972 में नए राज्यों के उद्घाटन के साथ संयोग से सात बहनों की भूमि का निर्माण किया था, तभी से ये फेमस हो गया है वर्ड। इसी के साथ इन्हें सात बहनें क्यों कहा गया है? देखिए ये राज्य एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। त्रिपुरा बांग्लादेश से घिरा एक घेरे की तरह है क्योंकि ये तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, जो आसाम पर परिवहन के लिए निर्भर करता है। आसाम में बाढ़ वाली सभी नदियां अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड से निकलती है। मिजोरम और मणिपुर असम के बराक घाटी के माध्यम से भारत के बाकी हिस्सों से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इन सातों राज्यों को जो है सेवन सिस्टर्स कहा गया क्योंकि ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। वहीं ये एक ही सीमा को जो है शेयर करते हैं, जबकि सिक्किम जो है सिक्किम को भूटान इन सातों सिस्टर्स से अलग कर देता है और जो सिक्किम है वो एक भी सीमा इनके साथ शेयर नहीं कर रहा, बल्कि सिक्किम अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स को शेयर करता है इधर से चाइना, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल। चलिए देखते हैं कौन सा राज्य कब बना। आसाम को 26 जनवरी 1950 को राज्य का दर्जा दिया गया। वहीं नागालैंड को 1 दिसंबर 1963 को राज्य का गठन किया गया और इसको भारत का 16वां राज्य बनाया गया। मणिपुर जो कि एक रियासत थी ये 15 अक्टूबर 1949 को भारत में शामिल हुआ, लेकिन पूर्ण राज्य का जो दर्जा दिया गया वह 21 जनवरी 1972 को दिया गया। मेघालय को देख लेते हैं, तो मेघालय का जो गठन है वह आसाम की दो हिल्स को मिलाकर यानी कि ईस्ट और वेस्ट खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स, इन दोनों हिल्स को मिलाकर मेघालय का निर्माण किया गया और 21 जनवरी 1972 को इसको एक स्वायत्त राज्य बना दिया गया। इससे पहले इसे सेमी ऑटोनोमस स्टेट का दर्जा दिया गया था। त्रिपुरा को देख लेते हैं, त्रिपुरा जो है भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है जिसका गठन हुआ था 21 जनवरी 1972। अरुणाचल प्रदेश यह सातों बहनों में सबसे बड़ा स्टेट है क्षेत्रफल के हिसाब से और भारत में इसका 15वां स्थान आता है जो मैंने आपको बता दिया है। इसी के साथ अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ डॉन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पूरे भारत में जब सूर्य उदित होता है तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है। अरुणाचल प्रदेश में 4:30 बजे सूरज उदित हो जाता है, इसलिए इसको लैंड ऑफ डॉन कहते हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा यानी कि NEFA नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता था। 1972 में बीबा बाबू दास शास्त्री ने अरुणाचल प्रदेश का नाम दिया और इसे यूनियन टेरिटरी बनवाया। 20 फरवरी को इसने पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया और भारत की 24वें राज्य के रूप में इसका गठन हुआ। मिजोरम को देख लेते हैं, देखिए मिजो ये 1972 तक आसाम का हिस्सा रहा था, ऊपर इसका हिस्सा था, परंतु 20 फरवरी 1987 को भारत का 23वां राज्य इसको बना दिया गया। देखिए काफ़ी कुछ आप समझ चुके होंगे इस वीडियो के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के बारे में भारत की, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।